तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा सॉल्यूशन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 4 मार्च को क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसका सेट डी का आज मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेट डी पूरा का पूरा आपका इसी प्रकार का पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है। तो देखिएगा इसमें आपसे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे कर लेना। देखिएगा ए टू जेड प्रश्न आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, ये सेट डी का पूरा आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेट डी का सॉल्यूशन आप सबको किस प्रकार से बना लेना है और कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका सेट डी पूरा का पूरा। देखिएगा इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। देखिएगा आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और इसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसमें एक पैसेज आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों इसके पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि पूछा गया है द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्रेस। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि पूछा गया है द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स, यानी कि किन सालों में टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा 2014 से 18 के बीच में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसमें पूछा गया है द ईयर ऑफ 2022 मार्क द टारगेट डेट। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इसका उत्तर आपको लिख लेना है यहाँ से डी नंबर का, डबलिंग द काउंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, देखिएगा 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज बीन द मोस्ट रिलेबल बिकॉज। तो देखिएगा 4 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टूडे बिकॉज। तो देखिएगा 5 नंबर का प्यारे विद्यार्थी जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा, इट इज सेंट्रल टू द टूथ चेन ऑफ द इकोसिस्टम। तो देखिएगा फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा लैंडस्केप्स। उसके बाद में 7 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा 526। और उसी के बाद में 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 8 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। उसके बाद में 9 क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका ये आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। और उसके बाद में 10वें क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ये वाला, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ भी लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें आपको नोट मेकिंग समरी मिल जाएगी। तो नोट मेकिंग समरी अगर आपको बनाना नहीं आता हो तो इस वीडियो के अंत में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से नोट मेकिंग समरी को बनाना सीख लेंगे। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये जो सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं ये आपको मैं आंसर शीट पर हल करके बताने वाला हूँ, तो आप लोग यहाँ से अभी सिर्फ इनको देख लें और अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन सी में आपसे इस प्रकार की ग्रामर पूछी जाएगी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग ग्रामर का भी सोल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा कुड। और सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा टू। इसके बाद में 3rd नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा एनी। और उसके बाद में 4th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आ जाएगा आपका हैव नॉट। देखिएगा हैव नॉट ईटन ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका द आ जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा थाओ। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डू एज डायरेक्टेड तो आपको बनाने आते होंगे, और नहीं बनाने आते तो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी, वहाँ से आप लोग सब कुछ डू एज डायरेक्टेड बनाना सीख लेंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार का एक पैसेज आपको दिया जाएगा, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पैसेज को देख लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स।
यानी कि कुछ समय से बुरी खबरें कहाँ से आ रही थी, तो देखिएगा ये आ रही थी बुलेटिन बोर्ड से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रांस, यानी कि ब्लैक स्मिथ ने फ्रांस से क्या कहा। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर भी आपका आ जाएगा टू नॉट गो टू फास्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैज एम हेमलेन लिटन गार्डन बीन रिपेयर्ड टू द इन दिस इंस्ट्रक्ट। तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर आपका क्या आएगा, हिज स्कूल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देख लेंगे, इसका उत्तर आपका आ जाएगा अमेचर। और उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा टू रिड्यूकल फ्रांस। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला भाग दिया गया है, ये आप लोग इसको देख लेंगे। तो देखिएगा 9 के ए वाले भाग को देखते हैं, तो फर्स्ट का उत्तर क्या होगा, तो देखिएगा 9 के ए वाले भाग का उत्तर ये आ जाएगा पहले का, और इसके बाद में दूसरे का उत्तर कौन सा होगा, तो दूसरे का उत्तर आपका ये आ जाएगा, और तीसरे का उत्तर कौन सा होगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे का उत्तर आपका आ जाएगा ए नंबर का ये वाला। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और इसके बी वाले भाग को देखते हैं, तो देखिएगा बी वाले भाग में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिएगा बी वाले भाग को देखते हैं, तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा ब्रिटिश। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बाय गन। उसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा, तो देखिएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा डॉक्टर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फोर नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा फोर नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डेट द वर्ड टर्टल। और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, 11 को देख लें, 12 को देख लें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप सभी लोग देख लेंगे। तो देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का पूछा जाएगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन ये लिखा है, और उसके बाद में दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा गया है, चौथे नंबर का क्वेश्चन ये लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और चौथे के बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके पाँचवें नंबर के क्वेश्चन, और ये लिखा आपका छठे नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ से आप सभी लोग इनको देख लेंगे और इनको नोट भी कर लेंगे। ये सातवें नंबर का क्वेश्चन लिखा है, और ये देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ग्यारहवें का पहला क्वेश्चन लिखा है, ये ग्यारहवें का दूसरा लिखा है, और ये तीसरा लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसी का, ये तेरहवा का पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें, और उसके बाद में ये दूसरे नंबर का लिखा है, इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, तो देखिएगा इस प्रकार से आप लोग इनको नोट कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पहला उत्तर लिखा गया है, और उसके बाद में ये अगला उत्तर लिखा है, इस प्रकार से आप सभी लोग इनको देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर लिखा है, और ये इसके 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सोल्यूशन बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।